हालात ये है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिंगरौली अंडमान की बात है, किन गलियों से होकर जाना पड़ता है, किन किन छोटे छोटे रास्तों को पकड़ना पड़ता है, जिसके प्रति कांग्रेस ने अलग जगाने का मुख्य काम शुरू किया है। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल भैया के निर्देश पर मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ और हम सबकी इच्छा है कि अभी तो ये सांकेतिक धरना है, कोरोना की वजह से आप इतने लोग आए, मैं मानता हूँ कि इनकी संख्या उंगलियों में नहीं गिनी जानी चाहिए, इनके मंसूबों को गिनना चाहिए, इनके जुनून को गिनना चाहिए। कोरोना ने हम सबको इस बुरी तरह प्रभावित किया है कि एक डर और भय का वातावरण समाज में भी है और घरों में और परिवारों में अंदर तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद आप इतनी संख्या में है, ये हौसला बढ़ाने के लिए, हम लोगों के लिए आगे का रास्ता मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं समझता हूँ। आने वाले समय में अगर ये अगर हमारे सांकेतिक धरने की मांग को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई तो हम आपस में विचार विमर्श करके दोनों जिले मिलकर के एक बहुत बड़ा जनता प्रदर्शन करेंगे और हम मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से भारत सरकार को भी चेताने का काम करेंगे कि अगर ये सड़क नहीं बनती, ये मार्ग नहीं बनता है तो कांग्रेसी किस आक्रोशित आंदोलन का सहारा लेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे संज्ञान में ये भी लाया गया कि जब पूजनी दाऊ साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ तो हम सबके नेता आदरणीय राहुल भैया ने इस बात का जिक्र किया था कांग्रेस कमेटी कार्यालय में। ये जो समस्या है सीधी सिंगरौली मार्ग की, इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी पहल करे और फिर से शासन का ध्यान आकर्षित करे और मैं समझता हूँ उसी मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया है और मुझे भी भोपाल से आपके बीच में आपसे मिलने बात करने का मौका दिया गया है। आप सब इस गर्मी में यहाँ पर एकत्रित हैं, कोरोना का भय, प्रशासन का डर, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इसके बावजूद आप इतनी संख्या में यहाँ हैं। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सबका धन्यवाद भी देता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बाबा की तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, बोलते देखिए आप, इनकी तरफ से भी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यदि इस दिशा में सरकार ने कोई पहल नहीं की, प्रजातंत्र में विरोध करने का, अपनी आवाज को जंगी आवाज बनाकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम हमारा आपका है, हम सब मिलकर के आगे आने वाले समय में जंगी आंदोलन करेंगे और इस सड़क का काम जो वर्षों से रुका पड़ा है उसको शुरू करा के ही दम लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।